सूर उठा है मैं रो दूंगी सनम, तूर उठा है मैं रो दूंगी सनम, आजा मेरी जा बाहों में आजा मेरी जा बाहों में मैं तेरा हूँ तू मेरी है सनम, मैं तेरा हूँ मैं तेरी हूँ सनम। यस यस यस, ये आपका डीएम का सोच है इस वक्त, इसके ऊपर ही आज टॉपिक रहेंगे, डीएम का एनर्जी। ओके, डीएम बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हाँ जी हाँ, आपके लिए फेमिनाइन का ना बहुत जानते हैं उसके लिए है, फिर भी ना क्वेश्चन रहता है किसके लिए मैम, आपके लिए। आपके लिए डीएम बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हैं, वो डिप्रेस्ड भी बीच बीच में हो रहे हैं, वो बेचैन भी हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके डीएम के लिए। ओके, पहले वो सोचते थे बहुत काटा है इस रिलेशनशिप पे, अभी वो सोच रहे हैं ये रोज़ फ्लावर है, उसका और उसका जो डिवाइन फेमिनाइन है ये लव अलग है, इंट्यूशन पावर उसको हो रहे हैं, वो ये भी सोच रहे हैं ये बॉन्डिंग अलग है, यूनिक है, वो आपको रोज़ समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप पे, वो जान चुके हैं काटा है, बट रोज़ को उठाना है तो काटा को भी संभालना पड़ेगा। जो भी अच्छे कुछ होता है ना, उसके बीच में थोड़ा बहुत काटे का रास्ते होते हैं, जो चल पाते हैं वही जीत जाते हैं, है ना। तो एक बात बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम में बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है, रोमांटिक हो रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, और आपका ये एनर्जी सेक्सुअल जो एनर्जी है आपका भी आ सकते हैं, किसी को भी आते हैं, ये कोई खराब सोच ही नहीं है, ठीक है। खराब बात मैं भी नहीं बोल रही हूँ, आप भी नहीं बोल रहे हो, तो कमेंट पे ज़रूर लिखना, दुनिया का सोचो ही मत, खुद का सोचना शुरू करो, है ना। आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, एक आप देखे हो दो दिन पहले चांद के नीचे एक स्टार आए थे बिंदी जैसा, रीयूनियन का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मिनी रीयूनियन बोलो रीयूनियन बोलो होंगे, प्लीज़ बोलिए मत कब होंगे, तो डिले करोगे, खुद ब खुद डिले करोगे। देखो समझाना आपको मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो मैं यही समझा रही हूँ आपको, होंगे ही होंगे, 100 नहीं 1000 नहीं करोड़ों परसेंट श्योर है, ठीक है। कब होंगे पूछो मत, तो नहीं होंगे, बिल्कुल सच्ची बोल रही हूँ, झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, बोलती भी नहीं हूँ, सच बोल रही हूँ, नहीं होंगे फिर। ओके, किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहे हैं स्टाक हो, फिर हीलिंग कराओ, जिसको भी आप चाहते हो, जिसके पास भी आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास भी जाओ बट कराओ, क्योंकि स्टाक होंगे, खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो हीलिंग लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। हफ्ते में एक हीलिंग आप लीजिएगा, जिसके भी साथ है वो बहुत ही स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे, हफ्ते में एक हीलिंग करके लो, हफ्ते एक हीलिंग करके किसी के पास भी जाओ लो, महीने में 4 हफ्ते है ना, तो 4 ले लो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगी, बहुत ही अच्छे। ओके, टीम अभी बिल्कुल भी सैडनेस वाला सिचुएशन नहीं है, वो काम भी खुद का कर रहा है, तो बेझिझक रोमांटिक तरीका से, मैंने आपका याद करते करते ना रोमांटिक हो रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं, वो काम पे ध्यान दे रहे हैं, काम पे भी सक्सेस मिल रहे हैं। अच्छा, सब डिवाइन का सक्सेस मिल रहा है, नहीं,
जो डिवाइन फेमिनाइन रोना धोना स्टक है लाइफ में, उसका मस्कुलाइन को नहीं, और ऐसे ही रहोगे तो रियूनियन भी नहीं होंगे। ओके, सो इनर वर्क करो, खुद को हील करो, नहीं तो किसी से हीलिंग लो, जिससे भी आपको मर्जी है। ओके, फेमिनाइन का भी बहुत ज़्यादा अच्छे समय चल रहा है, अबंडेंस आ रहे हैं, जिसमें जो काम आप कर रहे हो वो खुद ब खुद अच्छे हो रहे हैं, और जॉब जो भी आप सोच रहे हो वो आपको ऐसे ही मिल जा रहा है किसी किसी फेमिनाइन को। स्टडी का, जो फेमिनाइन स्टडी में हो, अच्छे खुश हो इनर सोल से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छे क्लियर होंगे। ओके, सो सोचो मत, एक्शन लो खुद के लाइफ के ऊपर, खुद के काम के ऊपर, खुद के ऊपर, और मजा से रहो। और किसी का इन्वॉल्व नहीं है डीएम का, आप सोचते हो वो तो बहुत सारे लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। नहीं बाबा, इतने सारे लड़की का फ्लर्ट करने से क्या होता है मालूम है आपको? प्यार मिलते हैं, भटकते हैं, ठीक है, और भटकते हुए आत्मा लव ढूंढते हैं, और लव किससे मिलते हैं? फेमिनाइन से। तो जिसका आत्मा है उसके साथ ही जोड़ना है, तो सोचो ही मत गलत, है ना। और जिस जिसका हेल्थ खराब है वो खुद ब खुद इनर वर्क करो, हीलिंग करो, नहीं है तो हीलिंग लो, बट तबीयत सही करना अच्छे होना चाहिए, नहीं तो तबीयत और भी ज़्यादा खराब होंगे। किसी किसी का पेन हो सकता है, किसी किसी का डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन से क्या होते गे होंगे, और गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे तो क्या होता है, बैड केमिकल निकलते हैं बॉडी से, और शुगर बोलो, प्रेशर बोलो, लो प्रेशर बोलो, और भी बहुत कुछ होते हैं। तो नेगेटिव सोचना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। ओके, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन पूछते हैं, मैम सोल पर्पस क्या है? सोल पर्पस यही है, आप एनिमल्स जो जो आपके पास है, जो भूखा है एनिमल्स, कुछ खा नहीं पाते हैं, कोई गरीब आदमी है, दान करो, यही सोल पर्पस है। हीलिंग करना सिर्फ सोल पर्पस नहीं होती है, गलत आइडिया है आपका, गलत सोच है, सब हीलर नहीं बन सकते, है ना। तो सोल पर्पस यही है, जिससे ऐसे कोई है वो खा नहीं पा रहे हैं, और कोई कोई होता है सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, वो आपके पास से कुछ भी नहीं लेंगे, तो उसे आप काम दो, कुछ भी, जैसे कुछ भी आप छोटा नहीं काम, जैसे आप कुछ काम दे सकते हो आपके ऑफिस में, आप खुद का ऑफिस है तो कुछ काम दो, बा कोई जगह वो काम कर सकते तो उसको डलवा दो, ठीक है। कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हेल्प करो, एनिमल्स को खाना दो, वी सोल पर्पस है। ओके, किसी किसी मैं फेमिनाइन को मैं कमेंट्स पे पढ़ती हूँ, वो 2 साल या 3 साल उसका डीएम, बात स्पेसिफिक पर्सन जो भी है उसको डीएम हो तो मैं उसका आंसर दे रही हूँ, उसका डीएम उसको 2 साल से दूसरे का साथ शादी कर चुके हैं, अभी भी उसके अंदर पेन है, वो कमेंट्स लिखते हैं, मुझे बहुत पेन होता है, प्लीज़ आप एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, एक हीलिंग आप लेना शुरू कीजिए। 2 साल से जो आपका डीएम आपको छोड़ चुके हैं, वो आपका 2 साल से पेन दिया है, और आपको बहुत साल पेन दे रहे हो, ठीक है। वो 2 साल करके चले गए, आपका 5 साल बीत चुके हैं, तो खुद को ही आप कष्ट दे रहे हो, वो नहीं दे रहा है ना। तो प्लीज़ आप एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका पेन दूर भगाना मैं चाहती हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके, और कोई कोई डिवाइन फेमिनाइन का मास्कुलाइन का शादी हो रहे हैं, देखो ये तो यूनिवर्स प्लान होते हैं, बट फिर भी बोल रही हूँ, कोशिश करो हीलिंग करने का, बट पकड़ने की कोशिश मत करना, कब होगे कब जाएंगे, ऐसे करोगे तो उल्टा ही रिजल्ट होंगे, आप जानते हो,
उल्टा ही रिजल्ट होते हैं। ओके, आज देखो हार्ड टाइम करंट एनर्जी तो हम लोग बोलते भी हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर कमेंट्स का भी देना ज़रूरी है। पूरा सुनो, पूरा सीखो, सीखेंगे तो ब्लॉकेज दूर बहुत सारे होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी कभी क्वेश्चन आंसर भी एनर्जी के साथ देती हूँ। किसी किसी डिवाइन मास्कुलिन का हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू है, ध्यान से देखो, आप हील करो तो उसको आराम मिलेगी। ओके, अनकंडीशनल लव करो खुद से और उसको। ओके, ब्लेमिंग एनर्जी में मत रहो, आपके अच्छे के लिए बोल रही हो, उसको छोड़ ही दो, सोचो ही मत। उसको सोचेंगे तो पेन होंगे, तो उसको सोचो मत तो पेन भी नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे आजकल बहुत एनर्जी हो रहा है, बट एक बात बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को रियूनियन का चांस बहुत है, बहुत ही अच्छे वक्त चल रहा है, किसी किसी का मिलने के लिए उसका डीएम उसको बोलेंगे, मैसेज या कॉल खुद ब खुद आ जाएंगे, आ रहे हैं तो कमेंट्स पे ज़रूर लिखो। ठीक है, जिस जिस को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूरा डिटेल है। ओके, और किसी किसी मास्कुलाइन का थर्ड पार्टी निकलना शुरू हो चुके हैं, सुना है ना, थर्ड पार्टी निकलना शुरू हो चुके हैं। आप खुद पे ऊपर ध्यान दो, उधर सब कुछ ठीक होना शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, वो आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, किसी किसी का, किसी किसी का आएंगे। तो वीडियो जो भी हो रहा है आपके साथ कमेंट पे ज़रूर लिखना, ठीक है, अच्छे लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे साथ जुड़े रहो, आपके साथ भी मैं जुड़ के रहूँगी, और सब मिलके हम लोग यूनिवर्स और एंजल्स के साथ जुड़ के रहेंगे, सब खुश रहेंगे। तो कोई भी डीएम डीएफ को और डीएफ डीएम अलग नहीं हो सकते, एक साथ जुड़े रहो, सबसे प्यार करो, खुद से प्यार करो, मुझसे भी। ओके, सो टाटा।